शिमला विधानसभा के बाहर 24 अगस्त को पुलिस द्वारा यूथ कांग्रेस व महिला युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज की यूथ कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की है। प्रदेश यूथ कांग्रेस ने डीसी कार्यालय धर्मशाला के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तथा एडीसी के सरोच के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। यूथ कांग्रेस का कहना है कि पुलिस अधिकारियों के मना करने के बावजूद पुलिस कर्मियों ने किसके इशारे पर लाठीचार्ज किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि शिमला विधानसभा के बाहर 24 अगस्त को यूथ कांग्रेस द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके बाद यूथ कांग्रेस ने प्रदेश के सीएम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपना था, लेकिन पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए तथा कुछ चंडीगढ़ में उपचाराधीन हैं। इस अवसर पर युवा नेता सुरजीत भरमौरी ने कहा कि शिमला में प्रदर्शन युवाओं की समस्याओं व बढ़ती नशाखोरी को लेकर था, लेकिन शायद सरकार को यह मंजूर नहीं था कि समस्या का हल हो, इसीलिए लाठीचार्ज करवाया गया। यूथ कांग्रेस मांग करती है कि लाठीचार्ज प्रकरण की न्यायिक जांच करवाई जाए तथा जो भी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी दोषी हों उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले की जांच करवाए, अन्यथा यूथ कांग्रेस सरकार के गिराने के प्रयास शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेगी। डीसी साहब के माध्यम से हमने राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को एक ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन का जो मेन एजेंडा था कि 24 अगस्त को जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो घेराव युवा कांग्रेस ने किया था, जो हिमाचल प्रदेश में इतनी समस्याएं और इतनी युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ और नौजवानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, आज हिमाचल प्रदेश में चिट्टे का व्यापार और जहां तक नशा का है इतना ज्यादा फैल गया हुआ है कि पूरा हिमाचल पूरी देवभूमि से जाना जाता है, शर्मसार हो रहा है। जहां पर प्रदेश सरकार ने और देश सरकार ने मोदी जी ने वादा किया था युवाओं को 1 महीने में 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, मोदी का वो वादा भी जुमला निकला। नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज चाहे हिमाचल की बात करें चाहे देश की बात करें, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर और हमारी बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो सभी के सामने है। और आज हमारा ये जिसका मुख्य उद्देश्य इस ज्ञापन का था, युवा कांग्रेस ने इन मुद्दों के ऊपर सरकार की सोई नींद को जगाने की कोशिश की, तो जयराम सरकार के इशारे पर हमारे नौजवान साथियों के ऊपर, बहनों के ऊपर वाटर कैनन चलाया गया, लाठी चार्ज किया गया, जिसके तौर आज हमारे 15 से ज्यादा भी नौजवान युवा साथी हैं, पदाधिकारी हैं, जो आईजीएमसी में तथा पीजीआई में जो है एडमिट है, गहरी चोटें आई, यहाँ तक कि नहीं पुलिस वालों ने पत्थर तक बरसाए। हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि राज्यपाल जी जुडिशियल इंक्वायरी जो है यहाँ पर बुलाए और दूध का दूध और पानी का पानी जो है इसमें निकल करके आए, अन्यथा युवा कांग्रेस जो है इस आंदोलन को हर दिन सड़क से लेकर के सदन तक इस आंदोलन को बहुत लंबा छेड़ेगी और इसकी जिम्मेदारी जो होगी वो प्रदेश सरकार की होगी।